बधाई के टाइम पे क्यों याद करा जाता है? क्योंकि कहते हैं किन्नरों का पहरा अच्छा होता है, शादी हो जाती है। मेरे हिसाब से देखी जाए तो शादी नहीं होती किन्नर समाज। जी जी मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज सेवी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज उस समाज की बात करूंगा जिस समाज को लोग दूसरी नजर से देखते हैं, गलत नजर से देखते हैं। हमेशा उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, लेकिन अगर हमें बधाई की बात हो तो सबसे पहले उसी समाज को याद किया जाता है। वो समाज है किन्नर समाज। आज मैं उसी समाज के एक ऐसे किन्नर से आपको रूबरू करा रहा हूं। हम उनसे पूछेंगे उनका जीवन कैसे रहा, यहां तक कैसे पहुंचे, और जो समाज है उनको किस नजर से देखता है, ये भी हम सब उनसे जानकर। तो सबसे पहले हम अपने चैनल में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम है डिंपल, डिंपल किन्नर। डिंपल किन्नर, तो हम ये पूछेंगे डिंपल जी, आप शुरू से बचपन से ही किन्नर थे या कैसे, कब आपको पता लगा आप किन्नर? हाँ, मैं बचपन से ही, लेकिन देखो समाज को तो नहीं पता होता, मोहल्ले पड़ोस को नहीं मालूम होता है, लेकिन अपनी फैमिली को मालूम होता है। जी जी। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे रखा है, इस बात को छुपा के रखा है, और फिर मुझे समाज में जीने का हकदार भी उन्होंने दिया है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ऐसी मेरा करा उन लोगों ने। वो कभी इसी बात से नहीं हिचकिचाए कि हमारे घर में कोई किन्नर भी पैदा है। उन्होंने मुझे अपने बच्चे के रूप में, बेटा या बेटी के रूप में, जैसे भी उन्होंने मुझे पाला पोसा, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया मेरे माँ बाप ने। जी जी। और मेरे को जो मालूम हुआ था अपने बारे में, कम से कम मैं 10-12 साल की उम्र की समथिंग मुझे मालूम होने लगा। 8 साल के बच्चों को इतना मालूम नहीं होता, लेकिन 10 साल से ऊपर बच्चा समझदार होने लगता है। जी जी। तो लेकिन फिर भी मैं समाज की नजरों में, मतलब की अपनी समाज के ही नजरों में ही गलत साबित थी। क्यों थी? क्योंकि मेरे चाल से, मेरे व्यवहार से, मेरे रंग ढंग से लोग बाग उल्टी सीधी कमेंट करना, मेरी फैमिली को टॉर्चर करना, मेरी वजह से मेरी फैमिली को बहुत अपने आप को गिल्टी महसूस होना पड़ता था। क्योंकि समाज उनसे कहते थे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा चाल है, तुम्हारे बच्चे का ऐसा बोल चलन है, क्या करूँ उस समाज की नजरों में। फिर मैंने अपनी आगे पढ़ाई जारी रखी, अपनी पढ़ाई करी, उसके बाद फिर मैंने अपनी जॉब भी करी मेरठ सॉफ्टवेयर मॉल में। कहाँ तक एजुकेशन आप? आई एम ग्रेजुएशन फाइनली। ठीक है। मैंने मोहद्दीनपुर सविता कॉलेज चेक कोर्स से अपनी बीए फाइनल करी थी, और के इंटर कॉलेज मेरठ घंटाघर से मैंने अपनी इंटर साइंस साइड से पास करी। अच्छा, जब परिवार में और आपके रिश्तेदारों का कैसा व्यवहार रहता था आपके? देखो, रही तो फैमिली की बात, शुरू में तो सभी फैमिली वाले नहीं सोचते कि सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। ठीक है। उनका रिएक्ट तो यही था कि मैं किन्नरों में नहीं जाऊँ, अपने पढ़ाई लिखाई करके अपनी जॉब करूँ और अपने ही बलबूते पे अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ठीक है। जिस समाज जो किन्नरों को नहीं जगह देता, तो मेरी फैमिली मुझे जगह दी है। अपनी फैमिली को तो कहीं से कहीं गलत नहीं कह सकते, लेकिन रिश्तेदार भी कोई नहीं होता अपना, माँ बाप हो जाते हैं, भाई बहन भी नहीं होते। जब मुझे समाज ने नहीं जीने दिया, तब हार के फिर मेरी फैमिली ने ये बोला है, ठीक है, जहाँ जो तुम्हारी लाइफ है, अपनी लाइफ खुल के जियो। अच्छा, जैसे एजुकेशन जब आप हायर कर रहे थे, यस, इस बीच कभी कोई आपको कमेंट्स किया करते हो लोग? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। जब मैं अपने जैसे कॉलेज जाती थी, ठीक है, और मैं जॉब करती थी, क्योंकि मैंने बीए जो करी थी प्राइवेट करी थी, ओनली मैं एग्जाम देने गई थी, एक दो बड़ी क्लास अटेंड कर लिए। तो मैं जॉब करने जाती, जैसे ऑटो के लिए वेट करना होता था, तो कुछ लोग ऐसे होते थे, ये मीठा खड़ा है, छक्का खड़ा है, तो वो चीजें मेरे को बहुत हार्ड होती थी। मेरे को क्या है, ये हर किसी को होती होगी, जो इस कैटेगरी का हो किन्नर, तो उसको हर किसी को हार्ट होती है। समाज ही नहीं जीने देता, गलत नजरिए से देखता है। हाँ, ये बात सही कही। अच्छा, जैसे जब आपको आपके परिवार ने, आपके माता पिता ने आपको इजाजत दे दी थी कि आप अपनी लाइफ जी सकते हैं, हाँ, तो आप इस कौन गुरु रहा सबसे पहला आपका, और कैसे संपर्क में आए? हाँ, मेरी जो पहली गुरु, मेरी जो है ये भूरी किन्नर हैंगी, ठीक है, पहाड़ की, यही मेरी गुरु है, और यही मेरे माँ बाप, ये मेरे भाई बहन, ये सब कुछ मेरे ये। आप इनके संपर्क में कब आए थे? मैं इनके संपर्क में 2023 में, क्योंकि मैं कहाँ जाती, मुझे नहीं संपर्क में कोई था, मेरी कोई भी नहीं था, तो मैं इनके संपर्क में आई। इन्होंने मुझे अपनी जगह में पनाह दी, इन्होंने मेरी जिनको सवारा है, यही मुझे अब आगे लेकर चल रही। मैं अच्छा, जैसे कहा जाता है आपके समाज को लोग बुरी
नजर से देखते हैं, बुरे समाज के तौर पर आपको पहचाना जाता है, लेकिन जब बधाई की बात होती तो सबसे पहले आपके समाज को याद किया जाता है। हाँ, ये देखो बधाई के टाइम पे क्यों याद करा जाता है, क्योंकि कहते हैं किन्नरों का पैर अच्छा होता है, अगर घर में पैर फिरा दे किन्नर जी। क्यों फहरा दे, क्योंकि जब श्री राम ने ही उनको वरदान दिया था इसलिए। लेकिन बधाई के टाइम पे किन्नर अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनकी छत्र छाया भी घर में देखना पसंद नहीं करते पब्लिक। अच्छा, जैसे आपके समाज को नाम दिया जाता, आपको डिंपल नाम कब मिला और किसने दिया? ये मेरी गुरु ने ही मुझे डिंपल नाम दिया है। हाँ, और मुझे 2023 में ही डिंपल नाम दिया। वैसे वर्तमान हम नाम की बात, वर्तमान मेरा नाम था वैसे आशीष कसाना। आशीष कसाना, आई एम गुर्जर बिरादरी से। अच्छा, पहला डांस शो आपने किसी मैंने देखो कभी भी कहीं कोई फंक्शन पे, या मान के चलो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इन पे कभी भी मैंने प्रोग्राम नहीं करा स्कूलों पे भी, क्योंकि मैंने एनसीसी नेशनल क्रेडिट्स, मैंने एक सर्टिफिकेट मेरा ऑलरेडी है फर्स्ट ईयर का एनसीसी का, क्योंकि मैं किन्नर में आने ही नहीं चाहती, ना कोई मैंने झांकी निकाली, नहीं कोई डीजे पे नाची, लेकिन मेरे हालात ही ऐसे हो गए थे जो आखिर में मुझे लास्ट स्टेज अपने आना पड़ा। डिंपल बता रही हैं, अपनी पीड़ा बता रही हैं किस तरीके से मुझे इस समाज में आना पड़ा, क्योंकि जो हमारा समाज, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, वो समाज जो इज्जतदार समाज कहलाता है, लेकिन आज जो मेरे बराबर में बैठे हुए डिंपल किन्नर, हम इसी समाज की बात कर रहे हैं, इस समाज को लोग गलत निगाह से देखते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, नए नए नाम दिए जाते हैं, लेकिन डिंपल ने बताया कि वो ग्रेजुएट हैं, पढ़ाई लिखाई भी करी है और सर्विस भी करी है। सर्विस करने के बाद जब देखा समाज का रवैया ठीक नहीं है, तब इस समाज को ज्वाइन करा। माता पिता ने भी कहा आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं, आप अपने अधिकारों को समझ सकते हैं, तब वो आहार में भूरा किन्नर है उनके संपर्क में आए, उस डेरे पर संपर्क में आए। अच्छा, हम बात करेंगे अब, जैसे डेरा होता है तो डेरे पर कभी जातिवाद या भेदभाव की ऐसी कोई बात आती हो, ऐसे कोई आता है? ऐसे देखो, हम जो हमारा जो है ना, सिर्फ हमें किन्नर समाज, यानी हमारी इसमें कोई ना जात ना बिरादरी, हम एक फकीर, ठीक, हम एक ही एकत्रित रहते, जैसे झाड़ू बनते रहते हैं, हमारे इसमें कोई जात बिरादरी, चाहे वो कोई भी अदर कास्ट से हो, सब एक है, क्योंकि हमारा कोई अपना नहीं, तो इसलिए हम अपने आप अपना ही अपना मानते हैं। हिंदू मुस्लिम जैसी कोई भेदभाव नहीं होता डेरे पर। अच्छा, किन्नर समाज, अगर शादी की बात की जाए तो क्या समाज में शादी होती है आपके समाज में? पहली बात, मैं मानती हूँ किन्नर समाज में शादी हो जाती है, मेरे हिसाब से देखी जाए तो शादी नहीं होती किन्नर समाज। जी जी, क्यों? जब ये समाज ही एग्री नहीं है तो फिर अपनाने वाला एग्री कैसे होता है? उसकी भी फैमिली है, उस बंदे की, सामने वाले की भी लाइफ होती है, ठीक है? तो हमें तो अपनी लाइफ, हमें तो अपने बलबूते पे खुद ही जीनी चाहिए। अच्छा, मैं बात करूँ, डिम्पल को किसी से प्यार हुआ है तो क्या ऐसा अभी आया है मोमेंट्स आपकी लाइफ में? रही लव की बात, मेरा जो लव था 6 साल पुराना था, उससे मेरा ब्रेकअप हो गया, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। जी जी। जब उसकी शादी हो चुकी है तो मेरी फैमिली ने एक बात बोली थी कि उसकी लाइफ को सेटल होने दे, तुम्हारी तो लाइफ है ही खराब। तो फिर उसके बाद मैंने उस लड़के को छोड़ दिया 2019 में। जी। फिर मैंने अपनी लाइफ में किसी भी बंदे को नहीं लेकर के आई, सिर्फ अब जो मैं प्यार करती हूँ अपने गुरु गोसाई को, अपने माँ बाप को, सब कुछ मेरा भी यही है। हाँ, किसी लाइफ की तरफ जाएंगे तो फिर वही एक आएगा कि आप तो इनकी जिंदगी सवारने दो, अपनी जिंदगी तो आप खराब कर ही चुके हैं, ऐसा फिर लोग आपके समाज के प्रति, आपके लोग कहेंगे अगर किसी से प्यार होता है तब। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर प्यार होता है, अगर सामने वाला बंदा समझता है, तो हाथ पकड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम एक दूसरे के मन की भावना को समझ रहे हैं, सामने वाला बंदा हमें समझ रहा है, पूरे अपनाने को तैयार है, तो अपनाना है तो अपनाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन कभी भी किसी के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं डिंपल से बात करूं, डिंपल, अगर आपको फिल्म दुनिया से कोई ऑफर आता है शूटिंग्स का, फिल्मों में जाने का, तो क्या रहेगा डिंपल का? हाँ बिल्कुल, मैं सोचती हूँ कि मैं ये नहीं चाहती मैं कि मतलब कि किन्नर के इसी लेवल पर रहे, मैं सोचती हूँ अगर मैं किन्नर में हूँ, किन्नर समाज में हूँ, तो मैं आगे अब भी बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं क्वालिफिकेशन में भी हूँ, मैं अच्छे, ये थोड़ा बोली जाए तो अच्छे ही बिलोंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, तो मैं चाहती हूँ मैं आगे बढ़ूँ और मैं अपने किन्नर समाज का ही नाम ऊँचा करूँ, अपना ही नहीं अपने पूरे किन्नर समाज का। अच्छा, मैं इस समाज को दिखाना चाहती हूँ कि किन्नर भी कभी पीछे नहीं है। जी जी, बता रहे हैं डिंपल कि अगर फिल्मी ऑफर आए भी हैं और मैं चाहती भी हूँ कि मैं अगर कोई अच्छी फिल्म शूट होगी मैं उसमें भाग भी लूंगी और
मैं समाज को दिखाना चाहती हूँ, उस समाज को आईना दिखाना चाहती हूँ जो समाज हमारे प्रति दुर्व्यवहार करता है। अच्छा मैं बात करूं अब इस फिल्मी दुनिया से हटके राजनीति की, तो डिंपल क्या कभी राजनीति में भी जाना चाहेंगे? राजनीति में भी मैं आना चाहती हूँ, ऐसी बात नहीं, किसी चीज से पीछे नहीं हटना चाहती। देखो कहीं भी चले जाओ, कुछ भी काम करो, हर चीज में कठिनाई होती है जी। हर चीज में सामना करना पड़ता है। अब आ जाओ राजनीति की बात, तो अब मैं कहती थी नरेंद्र मोदी ने भी ज्वाइन करा, वो लागू करा है कि किन्नरों को इज्जत दी जाए, समाज में जीने का हक दिया जाए और उनको भी नौकरी दी जाए। तो नौकरी उन्होंने तो लागू कराया, लेकिन उनके नीचे कितने दलाल बैठे हैं उनको नहीं देखा मोदी सरकार ने क्या वो किन्नर? मैं तो जब जानती हूँ किन्नर समाज के लिए ही हर सारी चीज ही अलग बनाई जाए। बिल्कुल सही कहा डिंपल जी ने कि बता रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी ने हमारी तरफ देखा है, हमारी तरफ सोचा भी है, लेकिन जो मशीनरी है वो शायद इस ओर नहीं ध्यान दे रही, हमारे समाज की ओर ध्यान नहीं दे रही। शायद जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त कर रहा है किन्नर समाज, कि जो उन्होंने हमारे समाज के प्रति कहा है कि उनको भी समाज में रहने का हक है, उनको भी वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जो उनको और लोगों को मिलती है, लेकिन जो समाज के प्रति जो गलत व्यवहार करते हैं, जो दुर्व्यवहार करते हैं, वो अभी मशीनरी में मौजूद हैं, वो हमारे समाज के उत्थान के बारे में नहीं सोचते। अच्छा मैं बात करूं आपसे, एक किन्नर समाज पे एक फिल्म भी आई थी लक्ष्मी, हाँ, देखी है आपने फिल्म? नहीं वो मूवी मैंने देखी नहीं है, लेकिन सुनिए काफी अच्छी है। सारे ही किन्नर आपके समाज ही समाज के ऊपर फिल्म है, सारे किन्नर समाज के ऊपर है, क्योंकि मैं मूवी देखने में बहुत इतना वो नहीं रखती हूँ रुचि, मैं सिर्फ भावनाओं को समझती हूँ, भावनाओं को समझती हूँ, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई से अपने जॉब से मैंने कभी ये नहीं देखा कि मुझे वो मूवी देखनी है, देखनी नहीं। अब आगे के क्या ड्रीम है और क्या इरादे हैं? देखो अगर ऊपर वाले ने चाहे तो मुझे कहीं अच्छा ही मतलब कि कुछ चीज का मौका देगा तो बिल्कुल आगे बढ़ूंगी, मैं अपने किन्नर समाज का नाम ऊंचा करूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने किन्नर समाज को आगे लेके बढ़ू। अच्छा जैसे हमने देखा है कुछ किन्नर समाज में ऐसे किन्नर मौजूद हैं तो बड़े बड़े शो कर रहे हैं, बड़े बड़े हम देखते हैं रियलिटी शो में भी वो पहुंचते हैं, तो क्या डिंपल भी वहां जाना चाहती है? देखो हर इंसान की, मेरे से नीचे लेवल पे भी हैंगे कुछ, या मेरे से ऊपर लेवल पे भी है, मेरे लेवल के भी, हर कोई सोचता है कि हम भी ऊंचाइयों को छुए, वो नहीं चाहता कि हम पीछे रहे। मैं भी चाहूंगी कि मैं भी आगे बढ़ूं, मैं भी भाई बड़ी स्क्रीन पे मैं भी आऊं, मैं भी टीवी भी शेयर पे आऊं, फिर किस इंसान की रुचि होती है। डिंपल बता रहे हैं मैं भी चाहती हूँ मैं भी स्टार बनूं, मैं भी पहचान अलग बनाऊं, ये कहना है डिंपल का? मैं भी जाना चाहती हूँ जहाँ लोग और समाज के लोग मौजूद, ग्रेजुएट हूँ, पढ़ाई से ताल्लुक रखती हूँ, सब कुछ जानती भी हूँ, दुनिया की बातें भी जानती हूँ, समाज की बातें भी जानती हूँ। तो डिंपल जी उस समाज से और लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो आप जैसे जिंदगी जी रहे हैं? और मैं तो ये कहना चाहूंगी कभी भी अपने आप को किसी भी इंसान को कमजोर महसूस नहीं करना चाहिए, चाहे वो किन्नर हो या अदर कोई भी नर या नारी हो, ठीक है? क्योंकि हम ना नर ना नारी, हम तो अर्ध नारीश्वर जी, जी आधा शिव जी रूप आधा पार्वती। अच्छा कि क्या गुरु के लिए क्या कहना चाहती हैं आप, किस तरीके से रखते हैं आप? देखो मेरे गुरु, मैं अपने गुरु की जितनी तारीफ कम करूं उतना ही कम है, क्योंकि मेरे गुरु कभी मुझे कहीं भी आने जाने से नहीं रोकती, क्यों? उनको भरोसा है अपने बच्चों पे कि हमारा बच्चा किस रास्ते चल रहा किस रास्ते नहीं चल रहा। मेरे गुरु ने नहीं कभी मुझे सोते उठाया, नहीं खाते उठाया, किसी भी काम के लिए मुझे रोकथाम नहीं करती। कहना उनका ये बेटा अच्छा खाओ अच्छा पहनो, कभी सिर्फ गलत काम मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। अच्छा अब कभी जाना होता है परिवार के बीच तो? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी फैमिली के बीच जाती हूँ, अभी मैं अपनी फैमिली के बीच अभी गई थी, मैं 9 महीने में अभी एक हफ्ते रहकर आई थी, तो फैमिली में वैसे सभी बेटर है, लेकिन बस ये मैं घर से बाहर नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? कि कोई मुझे देख के मेरी फैमिली पे कोई मतलब कि बिलीव ना करे, क्योंकि इस कारण मेरी सिस्टर का भी रिश्ता टूट गया था पहले मेरी वजह से, जिसके कारण फिर मुझे अपने बाल कटाकर अपने घर में रहना पड़ा। कुछ लोगों ने बोल दिया था मोहल्ले पड़ोसी उसके घर में तो किन्नर है, तो मेरी फैमिली पे कोई मतलब मुझे था वो अच्छा मुझे नहीं लगा, इसलिए मैं अपने घर नॉर्मल तरीके से रहा। डिंपल कभी आप किसी फंक्शन में जाते हो, कभी इवेंट्स में जाते हो, तो वहाँ कभी आपके साथ कुछ लोग फोटोग्राफ शूट करना चाहते हो, तो वहाँ कैसा लगता है आपको जब फोटो शूट करते हैं वो आपके साथ? देखो वो तो आप मालूम होगा सभी को कि अगर कोई बंदा हमसे बोलता है कि नहीं यार मैम आप बहुत अच्छी लगे, एक फोटो ले, एक सेल्फी ले सकता हूँ क्या, तो हमारे मन में अच्छे से ऐसा लगता है कि हम एक स्टार है, कि हमारी बूझ हो रही है समाज में,
एक अच्छा सा लगता है, अपने आप में महसूस होता है। तो अच्छा, आप अपनी तरफ से सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? देखो, रही सरकार से मांग करने की बात, तो सरकार से तो यही मांग होगी मेरी कि अगर हाँ किन्नर समाज को जगह दी जा रही है, उनके लिए जॉब दी जा रही है, तो किन्नरी समाज देखो पढ़ा लिखा आगे भी बढ़ रहा है, तो पहले उन्हें की मजिस्ट्रेट वगैरह बनाए किन्नर समाज को ही, और किन्नर समाज के हाथ में दिया जाए सब कुछ, कि अपने समाज को चलाओ अपने तरीके से, सही रुतबे से। ये नहीं कि किन्नर समाज के लिए जॉब दे दी जा रही है, उसके लिए फिर मर्द बिठाया जा रहा है या लेडीज बिठाई जा रही है, क्योंकि वो हमें मर्द तो देखा गलत निगाह से, क्योंकि किसी कहते हैं कि अंदर का मन किसी ने पढ़ के नहीं जानता। तो किसी किन्नरी समाज को दी जाए ये संस्था आगे बढ़ाने के लिए, और किन्नर समाज के लिए तो आगे ही कुछ ऐसा करा जाए कि जो उन्हें जीने का हक, सिर उठाने का हक दिया जाए। ये थी हमारे साथ डिंपल किन्नर, जो बता रही थी किस तरीके से उनका बचपन गुजरा, किस तरीके से यहाँ तक वो पहुंचे। आगे समाज की भी बात कर रही है, वो आगे सरकार से चाहती है कि सरकार हमारे बारे में सोचे, हमें, क्योंकि एज ए ग्रेजुएशन है, ऐसे और भी किन्नर मौजूद होंगे जो शायद पढ़े लिखे भी होंगे, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे की सोच रखते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहते हैं, वो किन्नर भी मौजूद है। वो चाहते हैं कि हमें हमारे सरकारी मशीनरी में हमारा भी दखल हो, हम भी अपने समाज की बात कर सकें, हम भी अपने समाज के उत्थान की बात कर सकें। अच्छा, एक हमारा आखिरी सवाल है जो हमसे दर्शकों ने भी कहा था कि जब आपके समाज की मृत्यु हो जाती है तो उसको कहा जाता है कि जैसे चप्पल से मारते हैं, तो क्या कुछ ऐसे रीति रिवाज भी हुआ करती हैं? हाँ, होते ऐसे रीति रिवाज, लेकिन जब हमारे मृत शरीर जो पड़ा होता है तो सभी को नेक करना पड़ता है, जो जो अपनी चप्पलें पहन के जाते हैं हल्का हल्का नेक छुआते हैं, पहले जैसे नहीं कि चप्पल से बजाना खचेड़ के ले जाना, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन ओनली हाँ चप्पल से हल्के के छुआते हैं कि अगला जन्म किन्नर का ना ले। बिल्कुल डिंपल जी, से मेरी जो दर्शकों आपका सवाल है वो भी मैंने कर लिया है, क्योंकि अब बताया है कि समाज में जो रीति रिवाज है उसके अनुसार हम जो चप्पल होती है उसको केवल छुड़ाते हैं, ये एक शगुन भी होता है, ताकि एक मैसेज होता है कि अगली बार आप इस रूप में जन्म ना ले, ये कहना होता है किन्नर समाज का। उस रीति रिवाज के अनुसार केवल छुड़ाते हैं, जो चप्पल मारने का जो लोगों में कहा जाता है वो ऐसा कुछ नहीं, ये डिंपल जी ने बताया है हमें। डिंपल जी, हमारा कार्यक्रम अंत की ओर जा रहा है और हम आपकी आवाज बनेंगे और आपकी आवाज को दूर तक पहुंचाएंगे भी, आपके समाज के लोगों के उत्थान की हम आवाज उठाएंगे भी। हम चाहते हैं कि आप उस समाज से कुछ और बातें जरूर कहें जो आपके प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, आपको गलत नजर से देखते हैं। देखिए, हमारा कहना तो ये होगा कि कोई भी कभी भी किसी किन्नर को गलत निगाह से ना देखे, बल्कि हो सके तो किन्नरों की सपोर्ट करो, उन्हें भी जीने का हक है समाज में सिर उठाने का, ठीक है ना। दरअसल मुझे किसी, अधिकतर तो लड़कों की कमेंट होती है गलत, ना किसी लेडीज की ना किसी लड़की की, तो लड़कों से ही मेरी गुजारिश ये होगी कि किन्नरों की सिर्फ दुआ लो, उनका आशीष लो, उन पर कोई गलत कमेंट ना करे। बहुत अच्छी बात कही है डिंपल जी ने कि शायद हमारा आशीर्वाद लो जिसके नियम बनाए गए हैं, और हम आशीर्वाद आपको भरपूर देंगे। उन्होंने कहा है जो गलत लोग कमेंट्स करते हैं वो उन कमेंट्सों को ना करें, क्योंकि भगवान कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए भगवान से डरें, भगवान की बातों को समझें, किन्नर समाज को भी समझें, किन्नर समाज की जो बातें हैं उनको भी समझें, ये कहना है डिंपल जी का। उन्होंने कहा है कि हम दुआ करेंगे उन परिवारों को जो आपके चैनल से दर्शक हमारे देख पा रहे हैं, उन सबको दुआएं भी देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को। मैं इस चैनल को जो भी देखे मालिक उनकी मनोकामना पूरी करे, उनके घर की हारी परेशानी सारी विपता दूर करे, यही मेरी गुजारिश है मालिक से, और आप सभी से हाथ जोड़ के ये इस चैनल को जितना भी हो सब आगे बढ़ाए। बिल्कुल सही बात की, आशीर्वाद भी दे दिया है मेरे दर्शकों, आपके परिवार को, किन्नर समाज का बताते हैं कि आशीर्वाद जिसको मिल जाता है वो शायद भविष्य में उसका काम आता है, उज्जवल भविष्य उनका बनाता है। तो चलिए, मेरे साथ हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें। जो आज डिंपल किन्नर से हमारी बात हुई है, उनसे बचपन से लेके प्यार और प्यार से लेके मृत्यु तक और उनके भविष्य तक, वो सारी बातें और लोगों और सरकार की मशीनरी तक जरूर पहुंचे। हम विदा लेते हैं, नमस्कार एंड खुदा हाफिज़।